नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत है आपका कैश करली पर। और कैश करली में हम आज आपके समक्ष वापस से आ गए हैं, जहां पर आपको WBBL के इस मैच की पूरी जानकारी देने वाले हैं, राइट फ्रॉम हेड टू हेड टू रीसेंट परफॉर्मेंस टू एवरीथिंग, प्लेयर टू प्लेयर, सारी बात हम करेंगे। आप जुड़े रहिएगा इस पूरे वीडियो में, शेयर करते रहिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और तमाम सारे हमारे लाइव्स को भी आप लगातार शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। बहुत सारे प्राइजेस हम लोग दे रहे हैं, कैश प्राइजेस हम लोग दे रहे हैं, तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा और एंड तक इस वीडियो के रहिएगा, क्योंकि आपको हर जानकारी WBBL के इस मैच से जुड़ी यहाँ पर मिलने वाली है। ब्रिस्बेन हीट वर्सेज होबार्ट, दोनों ही टीमों के बारे में हम लोग पूरी बात करने वाले हैं। मैच ये होने वाला है नवंबर 23 को 1:40 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, और ये मैच होने वाला है करेन रॉल्टन ओवल एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया में। तो इस जगह पर ये मैच होने वाला है, वेन्यू के बारे में भी सब कुछ बताएंगे, पिच रिपोर्ट्स के बारे में भी, पेस वर्सेस स्पिन के बारे में भी सारी बातें होगी। इसके लिए बस वीडियो के आखिर तक बने रहना है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और यहां पर आप देख सकते हैं करेन रॉल्टन ओवल एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो मैदान है, यहां पर 16.6 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहने वाला है और 57% ह्यूमिडिटी रहेगी। 41% चांस है कि इस मैच में बारिश आ सकती है। यहां पर यह सिलसिला देखिए कि टॉस जो टीम जीतेगी, वहां पर अभी तक के आंकड़े ये कहते हैं कि 50% वो टीम जीती है इस मैदान पर जो बैटिंग फर्स्ट करती है, और 41% वो टीम जीती है जो बॉलिंग फर्स्ट करती है। इसलिए आंकड़ों के हिसाब से जो भी टीम यहां पर टॉस जीते उसे बैटिंग फर्स्ट लेनी चाहिए, ये एडिलेड के इस मैदान का कहना है। आगे आंकड़े और क्या बताते हैं इस पर बात करते हैं। ब्रिस्बेन हीट वॉरियर्स और होबार्ट के इस गेम में, जो ये मैदान है इसके अंदर पहले इनिंग का औसत स्कोर हमेशा 143 के आसपास रहा है, दूसरी इनिंग का औसत स्कोर लगभग 128 के आसपास रहा है। इस मैदान पे जो हाईएस्ट टोटल बनी है वो 207 पर 4 बनी है, जो भी ब्रिस्बेन हीट वॉरियर्स ने बनाई है, और ये ब्रिस्बेन हीट वर्सेस MLRW के मैच में बनी थी। लोएस्ट टोटल की बात करें तो 89 पर 8 बनी है, जो कि ADSW ने बनाई है, और यहाँ पर हाईएस्ट चेस जो है वो 162 पे 2 है, जो भी ब्रिस्बेन हीट वॉरियर्स ने ही बनाए हैं, और लोएस्ट डिफेंडर्स यहाँ पर 126 पे 4 है, जो कि ADSW ने बनाई थी। ये है पूरी जानकारी, आगे और भी बहुत सारी जानकारी है, इसके लिए शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। दोस्तों आगे चलते हैं और आपसे और बात करते हैं। पेस वर्सेस स्पिन को आपने देखा, यहाँ पर पेसर्स जो हैं उन्होंने अब तक 39 विकेट्स लिए हैं, यानी कि 46% यहाँ पर पेसर्स चलते हैं, लेकिन स्पिनर्स यहाँ पर 54% चलते हैं, क्योंकि 44 विकेट उन्होंने लिए थे। तो यहाँ स्पिनर्स पर थोड़ा सा पेसर्स से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। टीम फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट को आप देख सकते हैं 5 में से 3 मैच उन्होंने जीते हैं, जबकि होबार्ट को आप देख सकते हैं 5 में से 2 ही मैच उन्होंने जीते हैं। तो हल्का सा पलड़ा यहाँ पर ब्रिस्बेन का भारी दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं और समझते हैं ब्रिस्बेन हीट वर्सेस होबार्ट के सारी बातों को। पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो 14 ही पॉइंट ब्रिस्बेन के पास है, और 14 ही पॉइंट यहां पर कहीं ना कहीं होबार्ट के पास है, माफ कीजिएगा, ब्रिस्बेन के पास 17 पॉइंट है, होबार्ट के पास 15 पॉइंट है। तो यहां पर भी ब्रिस्बेन का पल्ला हल्का सा भारी है। आगे चल के देखते हैं ब्रिस्बेन हीट वॉरियर्स के टीम फॉर्म के बारे में। लास्ट 5 मैचेस हमने देखे कि 3 ब्रिस्बेन ने जीते हैं, जबकि 2 होबार्ट ने जीते हैं, लेकिन जब हेड टू हेड की बात करें, यानी कि ये दो टीमें जब आपस में भिड़ी थी तो क्या हुआ था, वहां पर बात करें तो 8 मैच, पिछले 10 में से 8 मैच ब्रिस्बेन ने जीते हैं, जबकि केवल 2 होबार्ट ने जीते हैं। तो ब्रिस्बेन का पलड़ा हर लेवल पे भारी है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इससे पहले जो मैच यहां पर हुए हैं उनकी, और यहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सिडनी सिक्सर्स पिछले वाले मैच में जीती थी, जो और प्लेयर ऑफ द मैच एरन बर्न्स रही थी, उसकी करंट रन रेट लगभग 8.41 के आसपास थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये भी मैच हुआ था। उससे पहले भी देखें तो ब्रिस्बेन हीट जीती थी, ये सारे ब्रिस्बेन हीट के मैचेस देख रहे हैं हम, उनका परफॉर्मेंस देख रहे हैं। उससे पहले वाले मैच में ब्रिस्बेन हीट जीती थी लगभग 2 रनों से, वो जीती थी, एमिला केर जो थी वो प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी। उससे पिछले मैच की बात करें तो यहाँ पर होबार्ट हरिकेन्स जीते थे, और कहीं ना कहीं मिग्नेन डुप्रीज जो थी वो यहाँ प्लेयर ऑफ द मैच थी।
इससे पिछले वाले मैच में ब्रिस्बेन हीट जीती थी, एमला केर यहां पर प्लेयर ऑफ द मैच थी, और उससे पहले भी ब्रिस्बेन हीट ही जीती थी, लॉरा हैरिस यहां प्लेयर ऑफ द मैच थी। अगर हम बात करें पूरी तरह से यहां हेड टू हेड के तमाम सारे मैचेस की, तो यहां आप देखिए कि ये जो 54वां T20 था उसमें भी कहीं ना कहीं होबार्ट ने हारी है। उससे पहले जो 50वां T20 था WBBL का, उसमें भी होबार्ट हारी है। ये होबार्ट के सारे पिछले परफॉर्मेंसेस की हम बात कर रहे हैं। उससे पहले होबार्ट MLSW से जीती थी, और यहाँ हम इन मैचेस को अगर विस्तार से देखें तो पिछले होबार्ट के मैच में सिडनी सिक्सर्स जो जीती थी उसमें एलिस पेरी प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी। उससे पहले एडलेट स्ट्राइकर्स जो थी मैच जीती थी, उससे पहले यहाँ होबार्ट हरिकेन जीती थी जहाँ मैग्नन डुप्रीज प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी। और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं इसमें भी MLSW जीती थी और एलिस कैप्सी जो थी वो प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी। और यहाँ फिर से होबार्ट हरिकेन्स जो है वो जीती थी, मैग्नन डुप्रीज यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लेयर ऑफ द मैच थी। और यहाँ पर उसके अगले मैच में हम देख रहे हैं ब्रिस्बेन हीट जीती थी, और कहीं ना कहीं यहाँ लॉरा हैरिस प्लेयर ऑफ द मैच थी। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बताती है कि ब्रिस्बेन हीट जो है वो कई कदम आगे है। यहाँ पर भी ब्रिस्बेन हीट ही जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो पिछले तमाम सारे मैचेस की हमने बात की, होबार्ट के परस्पेक्टिव से भी और ब्रिस्बेन के परस्पेक्टिव से भी, दोनों के परस्पेक्टिव में यही समझ में आ रहा है कि ब्रिस्बेन जो है वो उसका पलड़ा कई ज़्यादा भारी है। यहां पर फैंटेसी टीम आपकी क्या होगी ये हम बता रहे हैं, और पूरी तरह से नोट कर लीजिए। लेकिन उससे पहले कैश करले को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कैश करले के साथ बने रहिए। डिस्क्रिप्शन में पहुंचिए, तमाम सारे लिंक्स को शेयर भी कर दीजिए। यहां पर ये देख सकते हैं आपकी, ये होनी चाहिए आपकी फैंटेसी टीम, जहां विकेट कीपर आपकी होनी चाहिए जॉर्जिया रेडमैने, जो कि बहुत ही जबरदस्त विकेट कीपर है। इनका रीसेंट फॉर्म ये बताता है कि PRSW के सामने 27/28 बनाए थे, होबार्ट के सामने 19/16, और सिडनी के सामने 46/64 उन्होंने बनाए थे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लिजेल ली को आप ले सकते हैं एज अ विकेट कीपर, जिसमें उनका अगर लास्ट फॉर्म हम देखें तो 20/25, 16/13, 16/24 इस तरीके से उन्होंने रन बनाए थे। और आगे चलते हैं तो बैटर आप यहां पर किसको ले सकते हैं, मैग्नन डुप्रीज, किसी भी लेवल पे आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन ये है। इनके T20 फॉर्म की बात करें तो इन्होंने पिछले मैचेस में 29/28, 29/38, 47/75, 48/50 जैसे रन बनाए हैं। और उसके बाद आप ले सकते हैं डेनिल निकोल वाच को, जिन्होंने 24/52, 19/31, 15/15 रन बनाए थे। इस तरह की वो बैटर हैं। बॉलर्स ऑलराउंडर्स की बात करें, एमला केर, किसी भी दिन आप एमला केर को ऑलराउंडर पे ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रिस्बेन हीट की ये प्लेयर हैं। आप पिछला फॉर्म देखिए, 4/1 विकेट लिया इन्होंने, 39/1 विकेट लिया, 26 रनों पर 1 विकेट लिया, बहुत अच्छा खेलती हैं। जिस जॉनसन को आप ले सकते हैं, यहाँ पर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं क्या शानदार इनका रीसेंट फॉर्म है। इन्होंने 9/9 रन दिए, उससे पहले 37 रन देकर 1 विकेट लिया, उससे पहले 22 रन देकर 1 विकेट लिया ADSW के खिलाफ। यहां पर अगर बोलर्स की बात करें तो आप रुथ जॉनसन को ले सकते हैं, जिनका अपना शानदार फॉर्म है। निकोला खैरी को ले सकते हैं, जिनका फॉर्म भी देख लीजिए, 4/7, 3/2 और 18/27, बहुत अच्छा फॉर्म है। यहां पर हेली जेंसन को आप ले सकते हैं, बहुत शानदार ये बोलर है। हेली सिल्वर होम्स को ले सकते हैं, जिनका फॉर्म भी आप देख सकते हैं, 23/1 विकेट, 26 रन देकर 2 विकेट, 16 रन दिए, इस तरह के फॉर्म है। तो आपके फैंटेसी पॉइंट्स साफ तौर पे सबसे ज्यादा मिलने चाहिए एमला केर को, 997 पॉइंट्स के साथ वो सबसे आगे है। जेस जॉनसन 905 पॉइंट्स, निकोला हैंकॉक 725 पॉइंट, मॉली स्ट्रैंटो 626 पॉइंट, बहुत जबरदस्त यहां पर, मैग्नन डुप्रीज 366 पॉइंट्स, ग्रेस हैरिस 273 पॉइंट्स, लिजेल ली 249 और एमली केर यहां पर 243 पॉइंट्स के साथ आगे है, निकोला हैंकॉक 22। अब हम बात करते हैं कि यहां सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिए हैं, आप साफ तौर पे देख सकते हैं निकोला हैंकॉक 22 विकेट्स लिए हैं, जेस जॉनसन 20 विकेट्स लिए हैं, एमला केर 19 विकेट्स, मॉली स्ट्रैंटो 18 विकेट। सबसे ज्यादा छक्के कौन मार सकता है, मैग्नन डुप्रीज 9 छक्के मारे थे 13 इनिंग्स में, लिजेल ली 8 छक्के 13 इनिंग्स में, लॉरा हैरिस 7 छक्के, हीदर ग्राम
सात छक्के, इन सबको आप देख सकते हैं। अगर बाउंड्री पार देखने का शौक है आपको, शॉट्स बहुत जबरदस्त शॉट्स ये लगाती हैं। सबसे हाईएस्ट स्कोर ऑफकोर्स मैग्नन डुप्रीज 75 रन बनाए थे 13 इनिंग्स में, ग्रेस हैरिस 74, मैग्नन डुप्रीज 73, लॉरा हैरिस 65, जबरदस्त रन इन्होंने बनाए थे। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट लॉरा हैरिस की है 178 के भी बाहर, जेस जॉनसन की 140, डेनी निकोल वैट की 127.16, रुथ जॉनसन की 124, बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ ये खेलती है। और आगे देखते हैं बेस्ट इकोनॉमी किसकी है, मॉली स्ट्रैंटो की बहुत जबरदस्त इकोनॉमी है, 5.76 की इकोनॉमी के साथ खेलती है। उसके बाद एमी स्मिथ 5.89, जेस कैरी 6.13, रुथ जॉनसन यहां पर 6.70 की। सबसे अच्छे आंकड़े कौन देता है, इतनी इंफॉर्मेशन दोस्तों कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ कैश करले पे मिलेगी। कैश करले को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। बेस्ट फिगर्स देने वाली सबसे पहले है निकोला हैनकॉक, आप देखिए 32 रन देकर 4 विकेट लिए, जेस जॉनसन 17 रन देकर 3 विकेट लिए, चैरी कनॉट 19 रन देकर 3 विकेट लिए, जेस जॉनसन 20 रन देकर 3 विकेट लिए, बहुत ही अच्छा जबरदस्त खेल रही है ये। टीम एनालिसिस की बात करते हैं तो टीम ओपनिंग आप देखिए ब्रिस्बेन की और होबार्ट की लगभग बराबर है, कोई खास जबरदस्त नहीं है लेकिन दोनों की ही ओपनिंग लगभग बराबर है, एवरेज मान सकते हैं। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो ब्रिस्बेन का मिडिल ऑर्डर और होबार्ट का मिडिल ऑर्डर एवरेज से हल्का अच्छा है लेकिन दोनों का लगभग बराबर है। बैटिंग डेप्थ ब्रिस्बेन की होबार्ट से थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, होबार्ट की एवरेज है। पेस बॉलिंग की बात करें तो ब्रिस्बेन की काफी अच्छी है होबार्ट से, और अगर स्पिन बॉलिंग की बात करें तो ब्रिस्बेन की और होबार्ट की लगभग बराबर है। तो यहां पर ब्रिस्बेन का पलड़ा लगातार थोड़ा सा भारी है होबार्ट से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, तो यहां आप पॉइंट्स टेबल पे साफ तौर पे देख सकते हैं सबसे आगे है सिडनी, उसके बाद है एडलेड, उसके बाद एडलेड और ब्रिस्बेन लगभग दोनों 17 पॉइंट्स पे हैं, होबार्ट यहाँ पे 15 पॉइंट्स पे है, PRSW 13, MLSW 13 और MLRW यहाँ पर 9 पॉइंट्स पे है। आगे बात करते हैं प्लेयर्स के बारे में, हर प्लेयर के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी इसलिए सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। सबसे पहले निकोला हैनकॉक, ये बहुत ज़बरदस्त 27 साल की ये प्लेयर हैं जिनका बॉलिंग करियर आप साफ तौर पे देख सकते हैं, 38 मैचों में 38 इनिंग में 47 विकेट इन्होंने लिए हैं, बहुत शानदार ये बॉलर हैं। बेस्ट इनका 32 रन देकर 4 विकेट लेना था, 7.46 की औसत इकोनॉमी के साथ ये खेलती है। इसके आगे बात करते हैं ग्रेस हैरिस की, ये भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है, इनके करियर की बात करें तो 40 मैचों में 40 इनिंग्स में 939 रन इन्होंने दिए हैं, 81 इनका बेस्ट रहा है, 8 इन्होंने हाफ सेंचुरीज मारी, 111 का इनका स्ट्राइक रेट है। और उसके बाद बात करते हैं मिकालिया हेंटली की, जिन्होंने 19 मैचों में 14 इनिंग्स में 163 रन देकर बेस्ट इनका 49 रहा है, और इन्होंने 88 की स्ट्राइक रेट के साथ काम किया है। ये सारी जानकारी आपको कैश करने पे मिल रही है, आखिर तक मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करते रहिए। देखिए जेस जॉनसन, ये ब्रिस्बेन की है, 30 साल की है, इनका BBL करियर की अगर बात करें तो 42 मैचों में 42 इनिंग में 58 विकेट इन्होंने लिए हैं, बेस्ट इनका 28 रन देकर 4 विकेट लेना है, शानदार बॉलर हैं ये। लॉरा हैरिस की बात करें तो इनका बैटिंग करियर क्या कहता है, राइट हैंडेड बैटर हैं ये, 17 मैचों में 12 इनिंग में 212 रन बनाए इन्होंने, बेस्ट इनका 65 रन रहा है। और इसके आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं चैरी नॉट के बारे में बात करते हैं, ब्रिस्बेन की ये चैरी नॉट है, और 28 मैचों में 17 इनिंग में 8 विकेट इन्होंने लिए हैं, बेस्ट इनका 19 रन देकर 3 विकेट लेना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एली जॉनस्टन के बारे में, शेयर करते रहिए आप लोग, कैश करने को सब्सक्राइब करते रहिए। बैटिंग करियर इनका कहता है कि 11 मैचों में 9 इनिंग में 85 रन इन्होंने दिए हैं, 54 इनका बेस्ट रहा है, 1 इन्होंने 50 मारी है। इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एमला खेर को, यहाँ 28 मैचों में 23 इनिंग में 340 रन इन्होंने बनाए हैं और बेस्ट इनका 41 रहा है। एमला खेर बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। जॉर्जिया रेडमैने की बात करते हैं तो इनका BBL करियर कहता है, बैटिंग करियर कहता है 38 मैचों में 38 इनिंग में 1127 रन बनाए हैं, 98 इनका बेस्ट रहा है। वहीं कॉचरी ग्रेस सिपेल की बात करें
तो ये भी बहुत जबरदस्त बॉलर हैं, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करती है, 28 मैचों में 28 इनिंग में 26 विकेट लिए हैं, 25 रन देकर 3 विकेट लेना इनका बेस्ट रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जॉर्जिया वॉल के बारे में। बैटिंग राइट हैंडेड बैट्समैन ही ये, और बैटिंग करियर इनका BBL का कहता है कि 39 मैचों में 37 इनिंग्स में 666 रन बनाए हैं, एक इन्होंने हाफ सेंचुरी मारी है और 109 की स्ट्राइक रेट के साथ ये खेलती हैं। लूसी हैमिल्टन की बात करें तो 32 साल की ब्रिस्बेन हिट की ये प्लेयर है और ये राइट हैंडेड बैट्समैन है। दो ही मैच इन्होंने खेले, एक इनिंग्स खेली है, 5 रन बनाए हैं, 5 ही इनका बेस्ट है। इस तरीके से हर प्लेयर के बारे में जानकारी आपको सिर्फ यहीं मिलेगी दोस्तों। इस मैच से पहले पूरी जानकारी ले लीजिए सिर्फ और सिर्फ यहां पर कैश करले पर। लॉरा मे खिमेनेज़ के बारे में आपको बताते हैं, बैटिंग करती हैं, ये राइट हैंडेड बैट्समैन है, 25 मैचों में 23 इनिंग्स में 258 रन इन्होंने बनाए हैं, 42 इनका बेस्ट है, 159.26 की स्ट्राइक रेट के साथ ये खेलती हैं। सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए क्रैश करले को दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हेली सिल्वर होम्स के बारे में। 7 मैचों में 5 इनिंग में 4 विकेट इन्होंने लिए हैं जबरदस्त तरीके से। यहां देखिए मॉली स्ट्रैंटो को 41 मैच में 39 इनिंग में 41 विकेट लिए हैं, 16 रन देकर 4 विकेट लेना इनका बेस्ट रहा है। एमी स्मिथ का बॉलिंग करियर के बारे में बात करते हैं, ये होबार्ट की है, 34 मैचों में 31 इनिंग में 14 विकेट इन्होंने लिए हैं, 10 रन देकर 2 विकेट लेना इनका बेस्ट रहा है। मॉली स्ट्रैंटो इनके बारे में बात करें तो 41 मैचों में 39 इनिंग में 41 विकेट इन्होंने लिए हैं, बहुत ही जबरदस्त खेलती है ये। रशेल ट्रेनमैन की बात करें तो 27 मैचों में 25 इनिंग्स में इन्होंने 372 रन बनाए, 38 रन बनाना इनका बेस्ट रहा है। यहां पर हेली जेंसन की बात करें तो 15 मैचों में 14 इनिंग में 7 विकेट इन्होंने लिए हैं, 13 रन देकर 2 विकेट लेना इनका बेस्ट रहा है। शेयर करते रहिए दोस्तों कैश कर ले को ज्यादा से ज्यादा। नाओमी स्टैनबर्ग की बात हम कर रहे हैं, उन्होंने यहां 40 मैच खेले हैं, उसमें से 34 इनिंग्स खेली है, 372 रन बनाए हैं और बेस्ट उनका 35 रन बनाना रहा है। और यहां पर बात करते हैं मैसी गिब्सन के बारे में। मैसी गिब्सन का बॉलिंग करियर भी शानदार रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है ये, 13 मैचों में 12 इनिंग्स में 12 विकेट लिए हैं, 24/4 बनाना इनका बेस्ट रहा है। इसी तरह से सारी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, आप सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए इस लाइव को। निकोला खेरी 41 मैचों में यहां पर 39 इनिंग्स 37 विकेट्स और 14/3 इनका बेस्ट रहा है। यहां पर लिजेल ली को देखिए, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, 27 मैचों में 25 इनिंग्स में 510 रन बनाए और 79 इनका बेस्ट रहा है। इसी के साथ एमा मैनिक्स को देखना मत भूलिए, 3 मैचों में यहां पर उन्होंने कुछ भी खास नहीं बनाया है, 0 इनिंग 0 विकेट, तो ये एक नई प्लेयर है। साथ ही साथ मिग्नेन डुप्रीस 43 मैच 40 इनिंग 1160 रन और 87 इनका बेस्ट रहा है, 120 की स्ट्राइक रेट और 11 इन्होंने 50 11 हाफ सेंचुरीज इन्होंने मारी है। वहीं एमा मैनिक्स गीव्स को देखिए, 3 मैच खेले हैं और कोई भी खास रिकॉर्ड नहीं बनाया है अभी तक। ये प्लेइंग 11 है होबार्ट की जो आपके सामने है। यहां पर एलिस विलानी है जिनकी बैटिंग से सब लोग सब बॉलर्स खतरा खाते हैं, एन कैरी है, लिजेल ली है, मैग्नन डुप्रीज है, एम गिब्सन है, ग्राहम है, जॉनस्टोन है, मैनिक्स है। यहां पर ऑलराउंडर की भूमिका में सिल्वर होम्स है, ऑलराउंडर ही स्मिथ है और यहां पर बैटर स्टेलबर्ग है, स्ट्रेंटो ऑलराउंडर की भूमिका में है, ट्रेनमोन बॉलर हैं और जेंसन और कैबनर यहां पर ऑलराउंडर्स हैं। देख सकते हैं आप प्लेइंग 11 ब्रिस्बेन की भी, यहाँ हैंकॉक है, हैरिस है, साथ ही साथ हिंकले, जॉनहस, हैरिस बैटर, नॉट ऑलराउंडर, जॉनसन बॉलर, अमला खीर बॉलर और कहीं ना कहीं रेडमैन शानदार बैटर हैं, सिपिल यहाँ पर ऑलराउंडर हैं और यहाँ पर वॉल जो है वो बहुत ज़बरदस्त बैटर हैं, हैमिल्टन बैटर हैं, जमला खीर यहाँ पर ऑलराउंडर हैं, उसी के साथ साथ डी एन वाइट यहाँ पर बैटर हैं, वोस्टुकार यहाँ पर ऑलराउंडर हैं, पैर्सन्स बैटर हैं और किमकिन यहाँ पर बैटर हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं जिन प्लेयर्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए, जो प्लेयर्स बहुत ज़बरदस्त खेलेंगे वो होनी चाहिए लॉरा हैरिस पर। इनका पिछला रिकॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, MLSW के खिलाफ इन्होंने 5/7, SWS के खिलाफ, सिडनी सुपर सिक्सर्स के खिलाफ इन्होंने 14/13, एडलेड के खिलाफ इन्होंने 7/20 और होबार्ट के खिलाफ इन्होंने 20/32 बनाए हैं। वहीं
आपकी नजर रहनी चाहिए डेनियल निकोल वॉट पे, मिग्नेंडू प्रीस पे और हीदर ग्राम पे। ये सारे बैट्समैन आपको देखने चाहिए। और बात करें बॉलर्स की तो निकोला हैंकक, एमला खीर, निकोला खेरी और हेली जेंसन को आपको देखना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, आपको पूरे मैच की भी पूरी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। और उससे पहले अगर आप प्रेडिक्शन का काम करते हैं या क्रिकेट से आपकी ज़िंदगी का ताल्लुकात बहुत गहरा है तो हर मैच का पूरी जानकारी और सारे स्टैटिस्टिक्स आपको सिर्फ और सिर्फ कैश करने पर मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ कुछ इसी तरीके से। नमस्कार।